अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एयर फाउंडेशन टीपू कैंपस। दिस इज योर इंग्लिश टीचर। हियर इज अवर इंग्लिश बुक, न्यू ऑक्सफर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 3, थर्ड एडिशन। टुडे वी विल स्टडी आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज डोरोथी मीट्स द स्केयरक्रो। इन दिस चैप्टर डोरोथी इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, हु मीट्स द स्केयरक्रो। इन दिस पिक्चर यू कैन सी द डोरोथी एंड द स्केयरक्रो, एंड दीज आर द डिफिकल्ट मीनिंग विच वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर, एंड यू मस्ट राइट ऑन दीज मीनिंग ऑन योर नोटबुक। इन दिस चैप्टर वो है फोर कैरेक्टर, डोरोथी, टोटो, स्केयरक्रो एंड ग्रेट ओल। डोरोथी इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, टोटो इज द डोरोथीज पेट डॉग, स्केयरक्रो अ ह्यूमन शेप्ड फिगर हु यूज टू स्केयर अवे बर्ड्स फ्रॉम द क्रॉप्स, एंड ग्रेट ओल। ओके, लेट्स स्टार्ट द ब्रीफ समरी ऑफ द स्टोरी। Dorothy and her dog Toto was walking in the city of Emerland. Actually, she was going to meet the Great Oz to ask him to send her back to her home. When she was tired, she sat with the fence and suddenly she saw the Scarecrow. अब वो क्या देखती है कि Scarecrow winks at her, और उसको ये देख के बहुत शौक लगता है कि Scarecrow ने उसकी तरफ wink किया, बट उसे लगा कि मे बी इट वॉज हर इमेजिनेशन। बट आफ्टर सम टाइम स्केयरक्रो नोडिंग हीज हैड टूवर्ड हर। अब स्केयरक्रो ने अपना जो सर है वो उसकी तरफ हिलाया, स्केयरक्रो उससे बातें करने लग गया। स्केयरक्रो सेड, प्लीज हेल्प मी, आई एम टायर्ड ऑफ टाइड हेयर, प्लीज हेल्प मी डाउन। स्केयरक्रो ने कहा कि वो वहाँ पे खड़ा खड़ा थक गया है, तो उसको वहाँ से नीचे उतारने में हेल्प करे। डोरोथी अनटाइड द स्केयरक्रो एंड लेट हिम डाउन। देन शी फेल्ट that scarecrow was light in weight because the scarecrow body was made of straws, that's why he was light in weight. His face was made of sandbag. Scarecrow wore the old shirt and boots. Scarecrow said, I want help, I want some brain to think like human. He said, can you please ask the great oz to help to give me some brain? She said, yes, we will go together and he will help us. Toto behaved unfriendly with the scarecrow because the scarecrow was a stranger for him, but the Dorothy told him that scarecrow is not a stranger, now we are friends. Scarecrow told that he is not afraid of anything because no one can hurt me, but the only thing the scarecrow afraid of in the world, that is match. Scarecrow sirf ek cheez se darta hai, wo hai match. क्योंकि हिज बॉडी वॉज मेड अप ऑफ स्ट्रॉज, सो द स्ट्रॉज कैचिज द फायर एंड इट विल गेट हिम बर्न। सो दे वर वॉकिंग टूअर्ड द सिटी, दे मूव टूअर्ड द सिटी एंड स्केयरक्रो हेल्प हर टू कैरी हर बास्केट, क्योंकि स्केयरक्रो जो है वो एक ह्यूमन नहीं है, वो सिर्फ ह्यूमन की तरह दिखता है। अब वो उसने उसके बास्केट उठा ली क्योंकि उसे पता था कि वो ह्यूमन नहीं है तो वो थकेगा नहीं, इसलिए उसने उसकी हेल्प करने के लिए उसकी बास्केट को उठा लिया। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द ट्रांसलेशन ऑफ दिस पॉइंट। डोरोथी वर्क्ड अलोंग द रोड, इट वाज मेड ऑफ येलो ब्रिक। व्हेन शी हैड गॉन सम माइल शी नीडेड टू रेस्ट। शी क्लाइम टू टॉप ऑफ द फेंस बिसाइड द रोड एंड सैट डाउन। Toto was also tired. He lay down on the ground by the fence. There was a large cornfield on the other side of the fence and field there was a scarecrow. Dorothy जो है वो सड़क के किनारे चल रही थी कि और जो सड़क थी वो येलो ब्रिक्स मतलब पीली ईंटों के साथ बनी हुई थी। अब कुछ माइल जाने के बाद वो थक गई और उसने थोड़ी रेस्ट करने के लिए फेंस के ऊपर बैठ गई। फेंस आर द बाउंड्रीज, हमारी जो रोड के साइड पे, ये कह सकते हैं कि हमारे जो फील्ड्स होते हैं उनके साइड पे जो फार्मर्स ने बाउंड्रीज लगाई होती है उनको हम लोग फेंस कहते हैं। टोटो भी थक चुका होता है, वो फेंस के ऊपर नहीं लेकिन वो नीचे ग्राउंड में उसके साथ बैठ जाता है। अब उस फेंस के अंदर की साइड में एक बहुत बड़ा कॉर्न फील्ड होता है और उस फील्ड में एक स्केयरक्रो लगा हुआ होता है। डोरोथी गेज्ड एट द स्केयरक्रो, गेज्ड मतलब घूरना, किसी चीज़ को बहुत गौर से देखना। His head was small sack stuffed with straw. Stuff मतलब भरा हुआ। His face was painted on the sack. It has an old painted blue hat on its head. On its body, it wore a blue suit of faded cloth which had also been stuffed with straw. On the feet were some old boots. The scarecrow was tied to a tall pole.
इट वॉज देयर टू स्केयर द बर्ड्स एंड स्टॉप देम फ्रॉम ईटिंग द राइप कॉर्न। अब डोरोथी उसको बड़े गौर से और घूर के देख रही होती है, और अब उसके इस पैराग्राफ में स्केयर क्रो का हमें डिस्क्रिप्शन देते हैं कि वो किस तरीके से दिखता था। इसमें वो बताते हैं कि उसका जो फेस था वो सैक के साथ बना हुआ था। सैक हम लोग कह सकते हैं, एक सैक बोरी को बोलते हैं, मतलब जो थैले हमारे पास होते हैं उस तरह का था, और वो जो अंथा वो अंदर से पूरा स्ट्रॉस के साथ भरा हुआ था। स्टफ मतलब भरा होना। उसके बाद उसके जो फेस का जो सैक था उसके ऊपर उन्होंने उसका फेस ड्रॉ किया हुआ था पैंट के साथ। उसने सर पे ब्लू हैट पहना हुआ था। उसकी जो बॉडी थी उसमें उसने ब्लू कलर का सूट पहना हुआ था जो कि फेडेड कलर में था। फेडेड मतलब डल कलर में, जो बहुत पुराना हो गया हो या उसका कलर थोड़ा ख़राब हो गया हो। लेकिन उसकी पूरी बॉडी जो थी वो भी स्ट्रॉस के साथ बनी हुई थी, और उसने पाँव में पुराने जूते पहने हुए थे। द स्केयरक्रो टाइट स्केयरक्रो जो था वो एक पोल के साथ बांधा हुआ था, जो पोल एक बहुत लंबा मतलब एक कह सकते हैं कि एक डंडा रखा हुआ होता है, उस डंडे के साथ उन्होंने बांधा हुआ था क्रॉप से थोड़ा ऊंचा करके, ताकि वहाँ पे अगर कोई बर्ड्स या इस तरह के कोई क्रोज वगैरह आए तो वो समझे कि वहाँ पे कोई ह्यूमन खड़ा है, तो वो क्रॉप्स को नुकसान ना पहुँचाए। राइप कॉर्न, राइप कॉर्न मतलब पकी हुई कॉर्न, मतलब जो बिल्कुल खाने के काबिल हो जाती है। While Dorothy was looking at the painted face of the scarecrow, she was surprised to see one of his eyes slowly wink at her. She thought she must have imagined it. Then the scarecrow nodded its head to her in a friendly way. Dorothy climbed down from the fence and walked up to it. Toto ran around the pole and barked. अब जब वो उसके painted face को देख रही होती है तो उसे एकदम से लगता है कि जैसे उसने उसकी तरफ विंक किया, मतलब उसको आंख मारी है। लेकिन उसे लगता है कि शायद ये उसकी इमेजिनेशन हो, मतलब उसका सिर्फ ख्याल हो। लेकिन फिर वो क्या देखती है कि स्केयर क्रो ने अपना सर हिलाया उसकी तरफ बहुत फ्रेंडली वे में। नॉडेड का मतलब होता है सर हिलाना। उसके बाद डोरोथी जो है वो क्लाइम डाउन फ्रॉम द फेंस, मतलब वो फेंस से नीचे उतर गई। क्लाइम डाउन मतलब नीचे उतर जाना, और वो उसकी तरफ चल पड़ी। और जो टोटो था वो भी पोल के अराउंड घूमने लगा और बार करने शुरू हो गया। गुड डे सेड द स्केयर क्रो, यू डिडंट जस्ट स्पीक डिड यू आस्क द गर्ल इन वंडर। स्केयर क्रो ने बोला हैव अ गुड डे, तो डोरोथी बहुत मतलब बहुत ज़्यादा वंडर थी, बहुत ज़्यादा हैरान हो गई, और उसने पूछा क्या तुमने बोला ये, क्या तुम बोल सकते हो। सर्टेनली आंसर द स्केयर क्रो, हाउ डू यू डू, आई एम प्रीटी वेल थैंक यू, रिप्लाइड द डोरोथी पोलाइटली। एंड हाउ डू यू डू, आई एम बोर्ड सेड द स्केयर क्रो, आई एम वेरी डल बींग स्टक अप हेयर नाइट एंड डेज टू स्केयर अवे क्रोस। अब वो कहता है कि मैं यहाँ पे, अब जब डोरोथी से पूछती है कि तुम कैसे हो, तो वो कहता है कि मैं यहाँ पे थक गया हूँ, दिन रात यहाँ पे एक ही जगह पे बंधे रहने से और क्रोस को हटाने से मैं यहाँ पे थक गया हूँ। कांट यू गेट डाउन आज डोरोथी, नो दिस पोल इज स्टक अप माई बैक, प्लीज हेल्प मी हेल्पिंग गेट डाउन। वो कहता है कि नहीं, अब वो डोरोथी से पूछती है कि क्या तुम नीचे नहीं उतर सकते। वो कहता है नहीं, ये पोल मेरी कमर के साथ बांधा हुआ है। और वो उसको फिर कहता है कि मेरी हेल्प करो मुझे नीचे उतारने में। डोरोथी रीच अप बोथ आर्म एंड लिफ्टेड द स्केयरक्रो ऑफ द पोल, ही वॉज क्वाइट लाइट बिकॉज ही वॉज ओनली स्टफ्ड विद स्ट्रॉज। शी सेट हिम डाउन ऑन द ग्राउंड। अब जो डोरोथी होती है वो अपनी दोनों बाजू को ऊपर उठाती है और स्केयरक्रो को पोल से नीचे उतार देती है। अब वो देखती है कि जो स्केयरक्रो है वो बहुत लाइट इन वेट था, क्योंकि उसकी बॉडी जो थी वो स्ट्रॉस के साथ बनी हुई थी। अब वो उसको नीचे ग्राउंड में बिठा देती है। थैंक यू वेरी मच सेट द स्केयरक्रो, आई फील मच बेटर। स्केयरक्रो उसका थैंक्स कहता है और कहता है कि वो अच्छा फील कर रहा है। डोरोथी वाज आल्सो सरप्राइज टू हेयर अ स्ट्रॉ मैन स्पीक। द स्केयरक्रो स्ट्रेच एंड यॉन, हु आर यू आस्क द स्केयरक्रो एंड वेयर आर यू गोइंग। डोरोथी अभी भी सरप्राइज होती है कि एक स्ट्रॉ से बना हुआ इंसान कैसे बोल सकता है। और उसके बाद जो स्केयरक्रो होता है वो अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता है एंड यॉन करता है कि अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। और फिर वो पूछता है कि तुम कौन हो और तुम कहाँ जा रही हो। डोरोथी, माई नेम इज़ डोरोथी सर द गर्ल एंड आई एम गोइंग टू एमरलैंड सिटी। वो कहती है कि मेरा नाम डोरोथी है और मैं एमरलैंड सिटी जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू आस्क द ग्रेट ओस टू सेंड मी बैक होम एट टू कंसास। वो कहती है कि मैं ग्रेट ओस से कहने जा रही हूँ कि मुझे मेरे घर वापस भेज दें। वन द वेयर द वेयर इज़ द एमरलैंड सिटी सेट द स्केयरक्रो एंड हु इज़ ओज। वो कहता है एमरलैंड सिटी क्या है और ओज कौन है। वाई डोंट यू नो, शी रिप्लाइड। वो कहती है कि तुम कैसे नहीं जानते कि एमरलैंड सिटी क्या है और ग्रेट ओज कौन है।
नो इंडीड आई डोंट नो एनी थिंग, यू सी आई एम स्टफ विथ स्ट्रॉ, हैव नो ब्रेन एट ऑल, ही आंसर सैडली। वो बहुत सैड होकर उसे आंसर करता है कि यकीनन मैं कुछ भी नहीं जानता क्योंकि मेरी बॉडी भी स्ट्रॉ के साथ बनी हुई है और मैं कुछ भी, मेरे पास ब्रेन नहीं है सोचने के लिए। ओ सैड ड्रोथी, आई एम सॉरी फॉर यू। डू यू थिंक ही आस इफ आई गो टू द एमरलैंड सिटी विद यू दैट ओज वुड गिव मी सम ब्रेन। अब उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ एमरलैंड सिटी चलूँ तो क्या ग्रेट ओज जो है मुझे कोई थोड़ा सा ब्रेन दे देगा। आई डोंट नो शी रिप्लाइज, कम टू द एमरलैंड सिटी विद मी एंड टोटो, यू कैन आस द ग्रेट ओज फॉर अ ब्रेन। वो कहती है मुझे इसके बारे में नहीं पता लेकिन अगर तुम हमारे साथ चलो तो मे बी वो तुम्हें और ग्रेट ओज से ब्रेन का कहो। वट इफ ही डजेंट गिव मी वन, क्या होगा अगर वो मुझे नहीं देगा। यू शुड ट्राई एनी वे सेड ड्रोथी, यू हैव नथिंग टू लूज। अब वो कहती है कि तुम्हें एटलीस्ट एक बार ट्राई करना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। दैट्स ट्रू सेड द स्केयरक्रो, यू सी आई डोंट माइंड माई लेग एंड आर्म एंड बॉडी बींग स्टफ बिकॉज आई कैन नॉट गेट हर्ट। इफ एनीबडी ट्रेड ऑन माई टोज एंड स्टिक अ पिन इनटू मी इट डजेंट मैटर बिकॉज आई कॉन्ट फील इट। वो कहता है ये बिल्कुल ठीक कहा तुमने क्योंकि मैं अपना अपनी टांगों को फील कर सकता हूँ ना अपने बाजू को, अगर कोई भी मेरे ऊपर अगर ट्रेड अपॉन मतलब किस स्टेप अपॉन मतलब कोई भी मेरे स्टेप पाँव के ऊपर पाँव रखे या मेरे पाँव के ऊपर चढ़े या मुझे कोई पिन चुभाए तो मुझे कुछ फील नहीं होता। डोथी लिसन केयरफुली एंड नॉडेड, शी वॉज अमेज टू सी द स्केयरक्रो वॉकिंग एंड टॉकिंग। डोथी बहुत आराम से सब कुछ सुन रही थी और अपना सर हिला रही थी और वो बहुत हैरान थी कि स्केयरक्रो बोल भी सकता है और चल भी सकता है। बट आई डो नॉट वॉन्ट पीपल टू कॉल मी अ फूल एंड इफ माई हेड स्टेड स्टफ विद स्ट्रॉ इंस्टेड ऑफ विद ब्रेन एज योर इज, हाउ एम आई एवर टू नो एनी थिंग। अब वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे पागल कहें और लेकिन अगर मेरा अगर जो सर है वो अगर स्ट्रॉस के साथ स्टक रहा मेरे साथ ब्रेन ना हुआ तो मैं कैसे तुम लोगों की तरह सोच सकता हूँ। आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील सेड द लिटिल गर्ल हु वॉज ट्रूली सॉरी फॉर हिम, इफ यू विल कम विद मी आई विल आस्क ओज टू डू ऑल ही कैन फॉर यू। अब वो कहती है अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं वो सब कुछ मतलब हम लोग ग्रेट ओज को कहेंगे तो वो जितना कर सका तुम्हारे लिए करेगा। थैंक यू ही आंसर ग्रेटफुली, वो उसको ग्रेटफुली आंसर करके चला जाता है। ड्रोथी टोटो एंड द स्केयरक्रो वॉक टू द फेंस, दे क्लाइम्ड ओवर एंड स्टार्ट वॉकिंग अलोंग द येलो ब्रिक्स रोड टूअर्ड द एमरलैंड सिटी। अब वो तीनों जो हैं वो एमरलैंड सिटी की तरफ चल पड़ते हैं। टोटो स्निफ अराउंड द स्ट्रॉ मैन ही ग्रोल एड इफ ही सस्पेक्ट देयर माइट बी अ नेस्ट ऑफ रैट इन द स्ट्रॉ, ही वॉज बिहेविंग इन अनफ्रेंडली वे बिकॉज ही डिड नॉट नो द स्केयरक्रो। अब जो टोटो है वो बिल्कुल अनफ्रेंडली बिहेव कर रहा होता है उसके साथ क्योंकि उसे थोड़ी सेंस आ रही होती है कि मे बी यहाँ पे कोई रैट का नेस्ट हो। और उसके बाद वो बिल्कुल अनफ्रेंडली बिहेव उसके साथ कर रहा होता है क्योंकि वो स्केयरक्रो को नहीं जानता। डोंट माइंड टोटो सेड ड्रोथी टू हर फ्रेंड न्यू फ्रेंड ही नेवर बाइट। अब वो ड्रोथी टोटो से स्केयरक्रो से कहती है कि टोटो की बिहेवियर को माइंड मत करना क्योंकि लेकिन वो तुम्हें हर्ट नहीं करेगा तुम्हें बाइट नहीं करेगा। वो हम नॉट अफ्रेड रिप्लाइड द स्केयर को ही कांट हर्ट द स्ट्रॉ। वो कहता है कि मुझे इस चीज़ का डर नहीं है क्योंकि वो स्ट्रॉस को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। टोटो बी नाइस सेड ड्रोथी टू हर डॉग एंड बेंड डाउन टू पैट हिम। टोटो उसको ड्रोथी उसको कहती है कि बी नाइस टू हिम। उसके बाद वो नीचे बैठ के उसकी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स करती है कि वो उससे दोबारा मतलब उसके साथ इस तरह बिहेव ना करे। शी पिक्ड अप हर बास्केट एंड देन बिगन वॉकिंग अगेन। उसके बाद वो नीचे से अपनी बास्केट उठाती है और दोबारा चलना शुरू हो जाते हैं। डू लेट मी कैरी द बास्केट फॉर यू, आई शेल नॉट माइंड इट फॉर आई कॉन्ट गेट टायर्ड। वो कहती है कि वो अब उसे स्केयरक्रो कहता है कि ये बास्केट मुझे उठाने दो क्योंकि मैं माइंड नहीं करूँगा क्योंकि मैं थकूँगा नहीं। आई विल टेल यू अ सीक्रेट ही कंटिन्यू एज ही वॉक अलोंग। जैसे जैसे वो रस्ते में जा रहे थे तो वो स्केयरक्रो से कहता है कि मेरे पास एक सीक्रेट है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। देर इज ओनली वन थिंग इन द वर्ल्ड आई एम अफ्रेड ऑफ, इस दुनिया में सिर्फ एक चीज़ है जिसे मैं डरता हूँ। वट इज़ दैट आस्क्ड ड्रोथी, इज इट द फार्मर हु मेड यू। ड्रोथी से कहती है वो क्या चीज़ है, क्या वो फार्मर है जिसने तुम्हें बनाया है। नो आंसर द स्केयरक्रो, इट्स अ लाइटेड मैच। स्केयरक्रो कहता है कि वो फार्मर नहीं है, वो लाइटेड मैच है जो कि मुझे जला सकती है। जैसे मैंने आपको समरी में बताया कि जो उसकी बॉडी है वो स्ट्रॉ से बनी हुई थी एंड स्ट्रॉ इजीली कैचेस द फायर। सो दिस वाज आवर फर्स्ट चैप्टर। उम्मीद करती हूँ कि आपने आपको सारा बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। योर होम टास्क इज राइट डाउन द समरी ऑफ दिस चैप्टर ऑन योर ओन वर्ड्स
एंड द सेंटेंसेज ऑफ गिवन वर्ड विच आई हैव शोन इन द पिक्चर. थैंक यू सो मच. स्टे होम, स्टे सेफ.